आफ्टर सन। तो व्हाट्सअप बडीज, इस वीडियो में मैं एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए, यस यहाँ पर कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि इस मूवी को समझ सकते हैं और एक्चुअली में वो इस वाली मूवी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमें इस वाली मूवी में क्या देखने को मिला और ये मूवी किस चीज़ के मुतालिक है। ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया तो आप लोग ये समझ ही होंगे कि ये वाली मूवी कितनी ज़्यादा अलग है। तो यस, ये वाली जो मूवी है आफ्टर सन, जिसका इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा, इस मूवी के बारे में मैं बात करूँगा कि ये वाली मूवी क्यों स्पेशल है और यहाँ पर जो एक्टर यानी कि पॉल मेस्कल जिन्होंने इस वाली मूवी में लीड कैरेक्टर प्ले किया है, उनको यहां पर इस वाली मूवी की बना पर ऑस्कर के लिए फॉर द बेस्ट एक्टर नॉमिनेट भी किया गया। तो पूरा रिव्यू के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, उससे पहले तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इस मूवी की जो स्टोरी है वही यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ है। अगर तो आप लोगों को स्टोरी समझ आ गई ना तो आप लोगों को असल में समझ आ जाएगा कि हम इस वाली मूवी में क्या देखने को मिला है। इस वाली मूवी में हमें फादर और डॉटर का रिलेशन दिखाया गया है, उनके रिलेशन के बारे में दिखाया गया है। कैसे हमें यहाँ पर मेन स्टोरी ये बताई गई है कि कैसे यहाँ पर एक डॉटर और फादर एक तुर्की में ट्रिप में जाते हैं, जहाँ पर वो जो है ट्रिप को इन्जॉय कर रहे होते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं, वहाँ पर अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वहां पे वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। ओवरऑल ये दोनों यहां पर कैसे अपनी वेकेशन को एंजॉय करते हैं। मगर अब हम लोग आ जाते हैं रियल मुद्दे पे। देखिए एक्चुअल में जो ये वाली मूवी है ये इतनी ज्यादा इसलिए पसंद आ रही है लोगों को क्योंकि ये यहां पर है लॉस्ट के बारे में, पेन के बारे में। हमें यहां पर ये देखने को मिलता है कि कैसे यहां पर एक लड़की है सोफी, वो यहां पर वीडियो टेप्स देख रही होती है, वो यहां पर वीडियो देख रही होती है 20 साल पुरानी की, और 20 साल पुरानी वही वेकेशन की जब वो अपने फादर के साथ तुर्की में ट्रिप होता है उसको वहां पर इंजॉय कर रही होती है। यस, वो वहां पर उसी अमेजिंग मूवमेंट्स को याद कर रही होती है, उसको देख रही होती है कि कितने ज्यादा अमेजिंग मूवमेंट्स थे, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल मूवमेंट था जब पे अपने फादर के साथ तुर्की में गई, वहां पर उस ट्रिप को मैं इंजॉय कर रही थी। तो यस, यहां पर उसको एक तरह से जो है ना वही इस बात का एहसास होता है कि वो कितना ज्यादा अमेजिंग टाइम था, वो वाला टाइम वापस नहीं आ सकता, मैंने अपने फादर के साथ जो यहां पर टाइम स्पेंड किया था वो इसी चीज को याद कर रही होती है। हम इसको रियलिटी से कनेक्ट इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि हम जब कभी ऐसी तस्वीरें वीडियोस देखते हैं जो कि काफी पास्ट की होती है, हमने कोई अमेजिंग मूवमेंट इंजॉय किया था या हम कहीं गए थे तो हम याद करते हैं ना कि ये वाला मूवमेंट कैसा था हम जब यहां पे गए थे, इस वाली ट्रिप में गए थे। तो सेम एज हमें इस वाली मूवी में भी देखने को मिला है, जब यहां पर वो बड़ी हो गई होती है वो अपनी पास्ट की मेमोरीज को देख रही होती है, और यहां पर सबसे मेन चीज वो यहां पर उसको अपनी जब वीडियो टेप्स देखती है उसको वहां पर यह पता लगता है कि कैसे जब वहां पर अपने फादर के साथ वो ट्रिप में गई थी तो उसके यहां पर जो डैड है यहां पर वो थे काफी ज्यादा चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे थे, मगर उस टाइम 20 साल पहले उस लड़की को इस वाली चीज का एहसास बिल्कुल भी नहीं था, मगर अब वो जब प्रेजेंट टाइम में वीडियो टेप्स दोबारा देख रही है उसको यहां पर इस वाली चीज का एहसास हो गया, और वहां पर उसको अब जो है इस वाली बात का एहसास होता कि यार मैंने उस ट्रिप में मेरे फादर के साथ जो है मेरी थोड़ी सी बहस भी हुई थी, यहां पर मेरे फादर कितना ज्यादा मुश्किल टाइम गुजार रहे थे मुझे उस टाइम पता नहीं था। और यस, अब उसके दिल में होता है कि अब काश मैं पास्ट में चली जाती, वो वाला टाइम वापस आ जाता। यहां पर हमें जो कैलम और सोफी कैरेक्टर का इन लोगों ने केमिस्ट्री और रिलेशन दिखाया ना, लाइक मूवी के पहले मिनट से ही हम लोग इस वाली मूवी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जब भी हमें ये दोनों पहली दफा देखने को मिलते हैं और हमें वहीं से अंदाजा होना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं यार कुछ तो होने वाला है इस वाली मूवी में। अब हमें जो इतनी सिंपल स्टोरी देखने को मिली ऐसे तो नहीं, और यहां पर इन लोगों ने जो हमें कैरेक्टर्स दिखाए उनकी केमिस्ट्री दिखाई काफी ज्यादा अच्छी है। मूवी यहां पर 1.5 घंटा के लगभग है और आप लोग जो है 1 घंटा तो सिर्फ मूवी देख रहे होंगे, आप कहेंगे अच्छा हाँ सब चीजें अच्छी हो रही है हमें सब कुछ देखने को मिला है, मगर लास्ट के हाफ एन आवर में हमें यहां पर काफी ज्यादा अमेजिंग और इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं जिससे आप लोगों को इस मूवी का रियल मैसेज समझ आएगा कि एक्चुअली में हम इस वाली मूवी में क्या दिखाना ये लोग चाह रहे हैं। और अगेन जैसा कि मैंने बोला हमें यहाँ पर इन लोगों ने सोफी और उसके जो डैड होते हैं उनकी यहाँ पर जो केमिस्ट्री दिखाई, इन दोनों कैरेक्टर्स को दिखाया है, हमें यहाँ पर इनकी जो पास्ट की लाइफ दिखाई कि कैसे जब वो वेकेशन में जाते हैं सोफी जो है वेकेशन को इंजॉय कर रही होती है, उसको इस टाइम इतनी ज़्यादा सेंस नहीं होती, यहाँ पर वो अपने डैड का उसको नहीं पता होता, मगर 20 साल बाद जब वो यहाँ पर वीडियो टेप्स देखती है जब उसको रियलाइज होता है कि वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट था वही यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है। और अगेन यहाँ पर मैं फिर से वही वाली चीज़ कहूँगा कि ये वाली मूवी ना कुछ लोगों के लिए जिसको ये वाली मैसेज समझ आ जाएगा जो कि यहाँ पर रियल मैसेज को डिकोड कर पाएंगे कि हमें फादर डॉटर रिलेशन क्या देखने को मिल रहा है। मगर अगेन आप लोगों को अगर काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस पर मूवीज देखने का शौक है, एक्शन सुपर हीरोज ड्रामा वगैरह,
तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप लोग स्टार्टिंग के 10 मिनट देखेंगे और इस वाली मूवी को वहीं पर छोड़ के चले जाएंगे, कोई दूसरी मूवी देखना स्टार्ट कर देंगे। तो यस, यहाँ पर यह वाली मूवी इसलिए मैंने कहा था सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही है। अब यहाँ पर मैं फाइनल वर्डिंग के बारे में बात करूँ इस मूवी को, तो आफ्टर सन मूवी मैं तो आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर देखें। वो अलग बात है आप लोगों को ये वाली मूवी सही तरह समझ आ जाती है या नहीं आती। मैंने भी जब ये वाली मूवी पहली दफ़ा देखी थी मुझे भी समझ नहीं आई थी कि हमें मतलब ये दिखाना क्या चाह रहे हैं, सही स्टोरी तो हम सबको समझ आ जाएगी, मगर यहाँ पर जब मैंने इसको एनालाइज किया, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े, तो तब मुझे समझ आया कि अच्छा यार हम इसमें मतलब लाइक इस चीज़ को ये हमें पोर्ट्रे करना चाह रहे थे, हम इन लोगों ने जो एक्चुअल में दिखाना चाह रहे थे। तो यस, पर्सनली मैं तो आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप आफ्टर सन मूवी ज़रूर देखें, आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। तो बस ओवरऑल वीडियो में ये था, रिव्यू में ये था। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों ने अगर आफ्टर सन देखिए आप लोगों को हमारी मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।